इसी तरह से आपको चलने हैं, जो हम अभी एकदम नॉर्मल चल रहे हैं। स्वागत है फिर एक नए इन्फॉर्मेशन वीडियो में दोस्तों, और आज दोस्तों आप लोगों को कार ड्राइविंग सिखाएंगे, और इस वीडियो में रास्ते जरूर देखें जो आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा कार कैसे ड्राइव किया जाता है। और दोस्तों यदि इस चैनल पर देख रहे हैं, यानी एसके अपने दोस्त यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब बटन प्रेस कर ले, यदि फेसबुक पेज एसके अपने दोस्त देख रहे हैं तो वहाँ भी फॉलो कर ले। नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैन करो या फिर महफिल, और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन वीडियो लाते रहेंगे हम। चलिए फ्रेंड्स, हम ड्राइव कैसे करते हैं और इसके क्या बेसिक नॉलेज होते हैं आप लोगों को बताते हैं क्लियर से, इस चैनल पर बने रहें लास्ट तक। तो चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, हमको एंट्री करना है गेट से, यानी कार के अंदर एंट्री करना है। एंट्री के बाद जो है सबसे पहले हमको हैंड ब्रेक जो होता है दोस्तों, जो देख सकते हैं ये आपको ऊपर की ओर लगी होती है, और ये हैंड ब्रेक होती है जो आपको, ये लगने के बाद आप कार स्टार्ट करने के बाद चलाएंगे तो हो सकता है आपको पीछे वाला चक्का ये कम्बाइंड जुड़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से घसीटते हुए जा सकता है, जिसे प्रॉब्लम हो जाएगा गाड़ी में। इस तरह से पहले आपको आना है तो पहले हैंड ब्रेक नीचे कर देना है, इसको नीचे कर देना है तो ये हैंड ब्रेक फ्री हो गया, आप आराम से चला सकते हैं। इसके बाद है जो दोस्तों आपको लगा लेना है सीट बेल्ट, देख सकते हैं सीट बेल्ट जो है दोस्तों, ये जो है आपको सीट बेल्ट है, और ये आपको लगाने हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं हम सीट बेल्ट लगा लिए हैं, ये देख सकते हैं, ये आपको पूरे अपने बॉडी में इसको फिट रखेगा ताकि कोई हचका उचका आए, चाहे जर्किन आए, इससे आपको सेफ रख सकता है ड्राइविंग में। तो चलिए दोस्तों इसके बाद जो है अगला पॉइंट बताते हैं हम आप लोगों को। इसके बाद दोस्तों मेन पॉइंट इसमें हो जाता है आपको गियर। सबसे पहले गियर क्या होता है समझना, ये गियर इसमें बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, वो हम आप लोगों के लिए समझाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों गियर को समझाने के लिए हम इस क्लच को जो है पूरे प्रेस कर लेते हैं नीचे, और क्योंकि कभी भी कोई गाड़ी में अगर गियर को चेंज करते हैं तो क्लच को लेकर ही करें, ताकि गियर नहीं कोई प्रॉब्लम हो गियर में। तो इससे पहले हम लोग बता देते हैं क्लच कौन होता है, रेस होता है, कौन ब्रेक होता है। तो सबसे पहले कार में जो देख सकते हैं तीन स्टेप होता है इसमें, जो देख सकते हैं आप लोग, तो तीन स्टेप में आपको सबसे लेफ्ट वाली जो होती है दोस्तों क्लच होती है, और बीच में ब्रेक होता है जिसमें चारों व्हील यानी चक्के कम्बाइंड होते हैं। इसके बाद राइट में रेस होता है, रेस का अर्थ एक्सीलेटर, जो जिससे गाड़ी भागती है, तो इससे आप जान गए होंगे। इसके बाद दोस्तों पहले हम क्लच ले लेंगे, क्लच लेने के बाद आप लोगों को गियर हम समझा देते हैं अच्छी तरह से। जो देख सकते हैं आप ये लिखा हुआ है, एक बीच में न्यूट्रन, फिर दो, फिर न्यूट्रन पर जाना है, राइट में आना है, फिर राइट से ऊपर तीन गियर है, इसके बाद फिर बीच में आपको न्यूट्रन है, फिर नीचे चार गियर आना है, फिर आपको न्यूट्रन पर जाना है, फिर राइट में जाना है आपको, फिर ऊपर पांच गियर है, फिर आपको न्यूट्रन पर आना है, फिर आपको बैक गियर है। इसी तरह से वो करना होगा, और आपको चेक करना होगा कि कहाँ पे न्यूट्रन है, कैसे हम समझे। तो देख सकते हैं दोस्तों ये जो है पूरे स्लाइड नहीं हो रही, जिसके वजह से आपको ये मालूम है कि कोई ना कोई गियर लगा हुआ है। आपको तीन स्टेप में आता है, जो देख, एक स्टेप ये हुआ, एक हुआ ये, दो, तीन स्टेप हो गया। तो सेकेंड वाला स्टेप जो होता है बीच में, सब न्यूट्रन होता है, जो देख सकते हैं चारों न्यूट्रन है। तो न्यूट्रन जो है दोस्तों इसमें क्या करना है, यहाँ से हम लगाएंगे तो डायरेक्ट जो है तीन गियर जाएगी, समझे दोस्तों। इसके बाद जो है हमको जाना है एक गियर, तो पहले तो फिर हम न्यूट्रन पाएंगे, न्यूट्रन हो गया, न्यूट्रन का चेक करने का यही तरीका, जो पूरे लेफ्ट राइट में मूवी मतलब जा सकती है ये गियर हैंडल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक गियर लगाने के लिए हम पूरे लेफ्ट करेंगे इसको, और ऊपर हम कर देंगे, एक गियर हो गया दोस्तों ये, फिर हम आएंगे न्यूट्रन पर, न्यूट्रन हो गया, फिर नीचे हम ले जाएंगे, दो गियर लगेगा। इसके बाद दोस्तों फिर हम जाएंगे न्यूट्रन, थोड़ा राइट करके हम ऊपर करेंगे, तीन गियर हो गया, फिर हम न्यूट्रन पाएंगे, इसके बाद नीचे करेंगे, फिर चार गियर हो गया, चार गियर लग गया दोस्तों, फिर हम न्यूट्रन पर जाएंगे, फिर हम राइट करेंगे थोड़ा, ये राइट हो गया, फिर ऊपर पांच गियर, फिर हम न्यूट्रन पाएंगे दोस्तों, ये हो गया आपको न्यूट्रन हो गया, फिर इसको बैक गियर करेंगे तो दोस्तों ये हो गया बैक गियर हो गया एडेक्टेड। दोस्तों आप ये जैसे गाड़ी जैसे आप स्टार्ट करते हैं डायरेक्टेड बैक गियर लगाना चाहते हैं आप, तो पहले क्या करें न्यूट्रन कर ले, ये न्यूट्रन हो गया आपको, डायरेक्ट आप बैक गियर करना चाहते हैं तो सीधे क्या कीजिए, पूरे राइट कर लीजिए आप, पूरे राइट कर लिए, इसके बाद नीचे कर दीजिए, ये बैक गियर हो गया। इस तरह से आप गियर समझ गए, और इसके बाद गियर समझने के बाद आप दोस्तों क्लच, रेस और ब्रेक भी समझ गए हैं। इसी तरह से आपको चलाने हैं। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, स्टार्ट करने के बाद क्लच को ले लेना है, और क्लच लेने के बाद आपको दोस्तों एक गियर लगा लेना है, जिस तरह से हम बताए हैं, एक गियर,
ये गियर ले लेना है। इस तरह से दोस्तों धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, धीरे धीरे रेस पे मतलब पैर रखना है। फिर भी इस तरह से थोड़ा चलेंगे, 10 से 10 तक चलेंगे, 10 स्पीड तक। फिर अब दो गियर लगाने के लिए रेस यानी एक्सीलेटर को छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे हम, क्लच लेकर गियर दो लगा लेंगे, और दो गियर लगाने के बाद दोस्तों फिर हम क्या करेंगे, फिर क्लच को छोड़ना है और रेस यानी एक्सीलेटर को धीरे धीरे नीचे दबाना है यानी प्रेस करना है दोस्तों। फिर नेक्स्ट गियर लगाने के लिए इसी तरह से प्रोसेस करना पड़ेगा। फिर आगे के गियर भी लगाने के लिए यही प्रोसेस करना पड़ेगा। और यदि दोस्तों कार को रोकना चाहते हैं तो क्लच लेकर यानी क्लच को प्रेस नीचे कर कर ही ब्रेक नीचे प्रेस करें, तब कार आराम से रुकेगी, नहीं तो दोस्तों बंद हो सकती है। तक शुरुआती आप लोगों का रहेगा तो दोस्तों क्या करना है, 20 से 30 ही चलाना है और कहीं फ्री जगह पर चलाना है ताकि फील्ड हो जहाँ पे, और डायरेक्ट रोड पे नहीं निकलना है। तो चलिए दोस्तों हम इस तरह से आप लोगों को बताएंगे, तो देखते रहें। इस तरह से जिस तरह से बताएं हम लोगों को उसी तरह से हम चलाएंगे इस 800 को और लेकर चलेंगे। तो दोस्तों बने रहें चैनल पर, यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ भी फॉलो कर लें, और इसके पंडित ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो वहाँ भी सब्सक्राइब करके प्रेस कर, दिखाते हैं रोड का सीन, चला कर लेकर चलते हैं। दोस्तों इसी तरह से आपको चलने हैं, जो हम अभी एकदम नॉर्मल चल रहे हैं मतलब एक गियर में, जो फिर हम इसी तरह से क्या दो गियर लगाने के लिए रेस यानी एक्सीलेटर को छोड़ देंगे, क्या करेंगे क्लच को ले लेंगे दोस्तों, देखते हैं दो गियर ले लेंगे, फिर क्लच को छोड़ देंगे, रेस में जितना अपना प्रेस करेंगे उतना भागेगा ही, देखते हैं भाग रही है। और इस तरह से आपको तीन गियर लगाने के लिए फिर एक्सीलेटर यानी रेस को छोड़ देंगे, फिर आपको क्लच ले लेना है, और इसके बाद जो दोस्तों क्लच लेने के बाद आपको गियर ले लेना है तीन गियर, फिर क्लच को छोड़ देना है, फिर इसी तरह से रेस को दबाना है, जितना दबाइए उतना भागेगा। और यदि दोस्तों ब्रेक लेना चाहते हैं तो क्लच को लेकर ही ब्रेक लगाए तो मतलब ठीक रहेगा, नहीं तो गाड़ी बंद हो जाएगा। बिना क्लच के ब्रेक लेते हैं कार जो है दोस्तों बंद हो जाएगी। इसी तरह से दोस्तों आप चला सकते हैं और फ्री जगह पर चलाइएगा दोस्तों, हमें चलाने आता है तो हम रोड पर चलाते हैं। इसी तरह से आप लोग इस समय बने रहे, यदि चाय बनाए तो चाय बनाएगा प्रेस कर लें, इसी तरह से थैंक यू दोस्तों बने रहे। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots, they're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough as subscribe to Escape and Vlogs. Please subscribe.